नमस्कार, मेरा नाम है करण और आज मैं लर्न विद करण अपने चैनल में एक नई हिंदी वीडियो बना रहा हूँ और ये मेरी नई हिंदी वीडियो है और ये पहली हिंदी वीडियो है। तो आज मैं रामायण में एक श्री राम जी को जब गंगा नदी पार करनी थी और केवट की नाव में, उसकी कहानी सुनाऊंगा मैं आपको आज। तो याद रखना प्रार्थना करने के लिए और नीचे सब्सक्राइब भी करने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे ना कमेंट्स में ना पूछ लो। तो हम ना, तो एक बार राम जी को गंगा नदी पार करनी थी। देखो, गंगा नदी तो इतनी बड़ी थी और ये रही केवट की नाव। तो उसके बाद राम जी ने केवट को देख लिया और उनसे पूछा कि अगर वो नाव में ले जा सकते हैं। लक्ष्मण ने राम जी को और अपने आप को बताया, उनके नाम और उनके बारे में सब कुछ, और वो यहाँ कैसे पहुँचे, कौन से राक्षसों को मारा, सीता माता के बारे में और भी। तो फिर केवट की जो सारी, जैसे कि जो भी चीज़ें उसको चाहिए थी, जैसे कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इतनी सारी चीज़ें चाहिए थी, वो सारी एकदम एक में बन गई और एकदम गायब हो गई। जैसे जब आप हैंड वॉश करते हो तो उसमें जर्म्स नहीं गायब हो जाते हैं, ऐसे एकदम गायब हो गई। क्योंकि जब भगवान जी आते हैं तब आप की ना जो भी चीज़ें होती हैं वो ना एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाती हैं। तो फिर केवट ने बोला कि प्रभु, मुझे तो आपका सीक्रेट पता है। आपके चरणों की मिट्टी से एक सुंदर सी नारी अहिल्या पत्थर से एक सुंदर सी नारी में बदल गई थी अहिल्या। तो फिर अगर आपके चरणों की मिट्टी मेरे नाव पे लग गई तो फिर मैं दो बीवियों को कैसे संभालूंगा। एक बीवी संभालनी इतनी भारी है जैसे कि अगर हमने एक इतना बड़ा सा पत्थर उठा लिया, तो फिर मैं दो बीवियों को संभालना के इतना भारी कैसे होगा। तो फिर आप ना पहले अपने पैर धुलवा लो मेरे से गंगा नदी के पानी से, उसके बाद भी आप मेरे नाव में आ सकते हो। उसके बाद राम जी ने एक अग्रीमेंट करी और उसके बाद केवट राम जी को गंगा नदी पार करके ले आए और राम जी ना अपनी जर्नी कंटिन्यू करते रहे। बाय।